छोटी आवाज की बाधाएं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हर व्यक्ति वर्तमान में मौजूद रहता ही नहीं है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वो प्रेजेंट टू द प्रेजेंट मतलब वर्तमान में प्रेजेंट होना, प्रस्तुत होना, उपस्थित होना रहता ही नहीं है वर्तमान में। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं वर्तमान में मौजूद नहीं हूं, वर्तमान में मैं प्रेजेंट नहीं हूं। और वो लोगों को यह भी मालूम नहीं कि अपन प्रेजेंट नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप वर्तमान में मौजूद नहीं है, आप वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, और आप वो प्रेजेंट को प्रेजेंट भी नहीं है। फिर आपको वर्तमान में जो आप मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हो, वो कौन देता है? किस तरह से आप वर्तमान में प्रेजेंट होते हो? जब आप ये जानना चालू करेंगे कि आपको वर्तमान में मौजूदी जो आती है, प्रेजेंट जो होता है, वो आपके अंदर जो छोटी आवाज आती है ना, वो देती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आपके दिमाग में कंटिन्यूअस एक छोटी आवाज चालू है, कंटिन्यूअस चैटर चालू है, चटर 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 चटर, काव 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 काव, ऐसा चालू है दिमाग में, और वो कंटिन्यूअस चैटर चालू है। हम अपने आप से 50 से 60 हजार थॉट्स दिमाग में बोलते रहते हैं। हम जब बात करते हैं तो 200 से 300 शब्द जो है वो बोल सकते हैं, और दिमाग में हम 500 से 600 शब्द बोलते रहते हैं एक मिनट में, इतना चालू रहता है अंदर आवाज। तो वो जो आवाज चालू रहती है अंदर, तो वो आवाज आपको प्रेजेंट में मौजूद होने देती नहीं है। वो आवाज ये बोलती है कि आप कौन है, आप क्या करने वाले हैं। वो आवाज आपसे बातचीत करती है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। वो आपको ऑर्डर देंगे, अरे तूने ऐसा करना चाहिए, तूने वैसा करना चाहिए। या वो आवाज थॉट्स के रूप में चालू रहती है। वो आपको बोलती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, क्या महत्व का है, क्या महत्व का नहीं है, क्या ट्रू है, क्या फाल्स है, ऐसा चालू रहता है अंदर। आपको ऐसा लगता है कि वो मैं हूं, मगर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो आप नहीं है। वो आवाज अलग है और आप अलग है। वो छोटी आवाज जो है वो चालू रहती है, चालू रहती है, चालू रहती है, और वो आपको देती है मौजूदगी प्रेजेंट में। वो प्रेजेंट को कंटिन्यूस इफेक्ट करती है, वो प्रेजेंट को रंग देती है। कोई सामने से व्यक्ति आता है तो बोलेंगे देखिए ऐसा है, वैसा है, वैसा, उसके बारे में पहले से हम चालू हो जाएंगे। सिचुएशन में जाएंगे, उस सिचुएशन के बारे में पहले से अपने दिमाग में चालू हो जाएंगे विचार। कोई व्यक्ति आता है, अपना भाई बहन, कोई आते माँ पिताजी, पत्नी पति, उसके बारे में पहले से विचार चालू हो जाएंगे, और आपको यह लगता है कि वो विचार मतलब मैं हूं। प्रॉब्लम क्या है? वो विचार आना यह प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो विचार को आप महत्व देते हैं, नंबर एक। वो विचार से आप प्रभावित होते हो और आपको लगता है कि वो मैं हूं, और वो विचार जैसा बोलता है वैसा करते हो। एक्चुअली अभी आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वो विचार आप नहीं है, वो विचार जो आवाज चालू है वो आप नहीं है। विचार होगा, आवाज होंगी, वो आप नहीं है। वो एक मशीनरी है ब्रेन की, वो ब्रेन की मशीनरी है, वो चालू रहती है, चालू रहती है, चालू रहती है। दिन भर में 50,000 से 60,000 थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में। एक मिनट में हम 200 से 300 शब्द बोल सकते हैं, मगर एक मिनट में हम 400 से 800 शब्द दिमाग में चालू रहते हैं, इतना फास्ट चालू रहता है वो। तभी आप, मैं आपको एक कुछ सेकंड के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप चुप रहो। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये वीडियो सुनते सुनते। आप क्या करो कि आप आपकी आंखें बंद करो, आपकी आंखें बंद करके देखो। अभी जो मैं बोल रहा हूं वैसा देखो, वैसा सोचो, तो आपको समझ में आएगा मैं कौन सी आवाज के बारे में बात कर रहा हूं, कौन सी ये छोटी आवाज है। आंखें बंद करो, जो ये वीडियो देख रहे हो वो आंखें बंद कर सकते हैं। देखो आपका पड़ोसी कौन सा है, क्या बोलते रहता है पड़ोसी? राइट साइड का पड़ोसी क्या बोलते रहता है, कैसा है वो? लेफ्ट साइड का पड़ोसी कैसा है? आपको आज सवेरे सबसे पहले कौन सा व्यक्ति मिला था घर में, उसके बारे में सोचो। आपके बॉस के बारे में सोचो, आपके पत्नी के पति के बारे में सोचो, क्या विचार आ रहे हैं वो सोचो।
आपके माँ के, आपके पिताजी के बारे में सोचो, आपके पास में कौन सा व्हीकल है उसके बारे में सोचो, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं उसके बारे में सोचो, वो दिमाग में लाओ। आपका मोबाइल कैसा है उसके बारे में सोचो। मैं चुप रहता हूं कुछ समय के लिए, देखो आपके दिमाग में क्या विचार चालू है। आंखें खोलो, देखा आपने, कंटिन्यूअस आपके दिमाग में विचार चालू है, कंटिन्यूअस। जो मैंने बात बोली है सोचो, वो सोचो, उसके बारे में होगा और उसके रिलेटेड और कुछ बातें आती होंगी, कंटिन्यूअस वो मशीनरी नॉन स्टॉप चालू है। वो कब बंद हो जाएगी? वो कभी बंद होने वाली है नहीं। आपको भी ये देखना है कि वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना है, तो आपको ये जानना होगा कि दिमाग में जो मेरी छोटी आवाज चालू है वो एक आवाज है, वो एक छोटी आवाज है, वो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, वो एक मशीनरी है, वो मशीनरी वो थॉट्स प्रोड्यूस कर रही है, वो थॉट्स को मैंने महत्व देने का नहीं है, वो थॉट्स की तरफ देखना नहीं है, वो थॉट्स को निग्लेक्ट करना है, वो मैं नहीं हूं। वो थॉट्स इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, उसको महत्व देने का नहीं है, कुछ भी उसका करने का नहीं है। जब आप ये जानना चालू करोगे कि वो मैं नहीं हूं, वो आते रहेंगे, वो कंटिन्यूस बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता है ना, वैसे बैकग्राउंड में थॉट्स चलते रहेंगे, ये भी आप उसको एक्नॉलेज जब करेंगे तब आप प्रेजेंट में, वर्तमान में मौजूद हो जाओगे, नहीं तो वर्तमान में आप मौजूद हो ही नहीं सकते। आपको जो भी मिलने आता उसके पहले आपके मन में पहले विचार आ जाएंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सवेरे 7 बजे किसी ने आपके डोर की बेल दबा दिया, टिंग टोंग, आप दरवाजा खोलने के लिए गए, बाहर 4 व्यक्ति खड़े हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, कंधे को थैली लटकाई हुई है, दिख रहे कार्यकर्ता लोग, बोलते नमस्कार, ऐसा करके बोलते हम अंदर आने के लिए, आप उनको बोलते हैं, उनको देखते ही आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है? उन्होंने तो भी बोला भी नहीं, फिर उन्होंने ये बोला कि हमको हमारा जो एरिया है वो क्लीन और ग्रीन करना है, इसलिए हम आपके पास में आए। उन्होंने ये बोला कि आपका एरिया जो है, आप जहाँ रहते वो एरिया, वो पूरा एरिया हमको क्लीन और ग्रीन करने का है। आपके दिमाग में क्या विचार आया? आपके दिमाग में विचार आया होगा, अरे इनको तो इलेक्शन लड़ना होगा। कोई बोलते होंगे अभी इलेक्शन नजदीक आ गया क्या? कोई बोलता है अरे बाप रे पैसे मांगने के लिए आए। ऐसे अलग अलग विचार आ सकते। उन्होंने क्या बोला? अपना एरिया क्लीन और ग्रीन करना क्या। आपने क्या सुना? इलेक्शन लड़ने वाले हैं हम, इलेक्शन लड़ने वाले वोट दो। उन्होंने क्या बोला? हमारा एरिया जो है वो क्लीन और ग्रीन करना है। आपने क्या सुना? अरे ये चंदा मांगने आए। मतलब वो जो लोग बोल रहे हैं वो आप सुनते भी नहीं हो, आप सुनते भी नहीं है लोग क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक, हम सुन रहे दो। ऑलरेडी हमने मत बना के रखा हुआ है और वो जो आवाज दिमाग में चटर चालू है, काव 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 काव, चटर 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 चालू है दिमाग में, वो चालू रहेंगी। आप हमेशा लोगों को भूतकाल से रिलेट करेंगे, वो चालू ही रहेगा। आपको अभी वो निकालना है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना है, तो आपको ये करना होगा कि भाई ये आवाज को पहचानना होगा, बार बार उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ, मुझे वर्तमान में रहने का, ये चालू रहेगा तो चालू रहने दो। वो यदि चालू रहता है तो उसको बोलना थैंक यू वेरी मच, उसको थैंक यू बोलना है, उसको चुप रहने के लिए बोलना है, चुप तो रहेगा ही नहीं मगर उसको बोलना थैंक यू वेरी मच। बोलता तुझे ये संभव नहीं, तुझे वो संभव नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तूने ऐसा करना चाहिए, तूने वैसा करना चाहिए, जो भी कुछ बोल रहा है बोलना थैंक यू वेरी मच, मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर। देखो ना, आप रात को सोते हैं उस समय बिल्कुल पक्का मन में ठहराते हैं कि मैं कल सवेरे 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाऊंगा, पक्का ठहराते हैं, बिल्कुल डिटरमाइंड है आपका, बिल्कुल आपने अपने आप को और लोगों को वचन दिया हुआ है। सवेरे 6 का अलार्म बज जाता और 6 का अलार्म बजने के पहले ही वो छोटी आवाज उठी रहती है, वो बोलती है कि बेटा आज का दिन रहने दे, कल से हम जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, कल से घूमने जाएंगे, आज है ना वैसे ही थक गया है, रात को बहुत लेट सोया था, अभी नींद भी पूरी हुई नहीं है, तो ऐसा कर बेटा तू कल से जा। नहीं तो वो बाजू वाला तो रोज जाता था घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, आखिर हार्ट अटैक से तो मर गया मोटा, तू क्या कर लेगा आज नहीं गया तो, बेटर तू कल से जा।
चालू हो जाएगा। और आप क्या करते हो, आप उसको सुनते हो, उसका सुनेंगे और वैसा करेंगे। अभी आपको ये करना है, थैंक यू बोलना है उसको, वो छोटी आवाज को बोलना, मैंने ठहरा हुआ है रात को कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाऊंगा, तू मुझे बीच बीच में मत आके मुझे रोक मत। मेरी जो संभावना है, मैंने जो गोल रखे हुए, मैंने जो निश्चित किया हुआ है मुझे करने, तो बीच में आके मत खोड़ा डाल। ऐसा उसको बोलना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, उसका सुनने का नहीं। तो जब आप ये प्रेजेंट हो जाओगे कि ये आवाज़ जो है वो आपको काम नहीं करने देती, आवाज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आवाज़ आपको नया काम नहीं करने देगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये निगेटिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नकारात्मक नन्ना का पढ़ा है उसका, ना ना ना, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, चालू है, चालू है, चालू है। तो उसको हमको प्रेजेंट होने का है। तो ये आप यदि प्रेजेंट रहेंगे तो आप प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहेंगे। इसलिए किसने कहा है कि पास्ट इज हिस्ट्री, पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, द करंट मोमेंट इज अ गिफ्ट विच इज गिवन टू अस बाय गॉड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, वर्तमान में मौजूद रहो, तो आप बहुत बढ़िया इंसान बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बन सकते हैं। क्योंकि जब आदमी प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहेगा, जब आप भूतकाल से प्रभावित नहीं होंगे, तो आपके लिए कुछ भी संभव है। अभी आपको ये देखना है कि आपका आपके पत्नी के बारे में क्या विचार चालू है दिमाग में, पति के बारे में क्या विचार चालू है, बच्चों के बारे में क्या है, लड़की के बारे में क्या है, लड़के के बारे में क्या है, माँ के बारे में क्या है, पिताजी के बारे में क्या है, बहन के बारे में क्या है, भाई के बारे में, देखो आपको आपके बिजनेस के बारे में क्या है, वातावरण के बारे में क्या विचार चालू है। कंटिन्यूस विचार चालू ही चालू है, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। आज से विचारों से प्रभावित होना नहीं है, जो आपने निश्चित किया है वही करने का है। थैंक यू वेरी मच।